सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो धीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव वर्धमान जनशासक नायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामहाराज की, आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निसर्ग सागर मुनि महाराज की, तीन कमनौकोटि महामुनिराजों की, अभी कह रहे थे उद्घोषक महोदय कि महाराज हम सबकी प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिए और हमें भी चातुर्मास का लाभ दीजिए। पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है प्रातःकाल में अपनी किरणों से सारे जग को आनंदित करता है और अपना प्रकाश और प्रताप बिखेरता है और जीवों की दिनचर्या प्रारंभ करने में सहायक होता है, उसी प्रकार सारे जग का कल्याण करने वाली होती है। ना वो उत्तर जानते हैं, ना पश्चिम जानते हैं, ना पूर्व जानते हैं, ना दक्षिण जानते हैं। जिस प्रकार बादल बारिश करता है और बारिश की बूंदें प्रत्येक शहर, गांव, खेत, मकान सब में पड़ती हैं, उसी प्रकार से संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की वाणी जग का कल्याण करने के लिए होती है। ये अलग विषय है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो अपने नगर, गांव, कॉलोनी में आने का निवेदन करते हैं। आचार्य महाराज के पास आप जब निवेदन करने गए थे, याद कीजिए वो शब्द आपने क्या कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि महाराज हमारी कॉलोनी में महाराज का चातुर्मास चाहिए, महाराज हमारे लिए उत्तर में या पूरब की ओर नहीं, हमको मात्र केवल अपने इंदौर नगर में चातुर्मास चाहिए। जब इंदौर नगर में चातुर्मास करने के लिए मुनिराज, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके हम सबको साथ में लेके चले आए, तो फिर इंदौर नगर न पूरब है, न पश्चिम है, न दक्षिण है, न उत्तर है, मात्र एक इंदौर नगर, इंदौर नगर है। सबके लिए उसके लिए अवगाहन होने का सौभाग्य मिलता है और भव्य वही होता है जो घर से निकलकर प्रभु और गुरु चरणों तक पहुंचता है। क्योंकि कहा गया है, किसी ने पूछा, भगवान मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, तो प्रभु ने कहा कि जो मोक्ष जाने की पात्रता रखता है वो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी भव्य है, और आप सबके वो मोक्ष जाने की पिपासा, वो आपका भाव प्रभु चरणों और गुरु चरणों तक प्रतिदिन सुबह आँख खुली नहीं कि सीधा प्रभु का दर्शन और गुरु के दर्शन को दौड़े चले आते हैं। वैभव अपने जीवन का कल्याण चाहता है और जो उस मार्ग पर चल चुके हैं उनसे आकर अपने आगे के लिए मार्गदर्शन चाहता है, प्रेरणा चाहता है, उस मार्ग को प्रशस्त करना चाहता है जिस पर चलकर वह अपना कल्याण कर सके। इसलिए जीवन में कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमें अपने जीवन को प्रारंभ करने के लिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए, उस पर आरूढ़ होने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु ही वह दीप स्तंभ होते हैं जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरते हैं और हमारे लिए इस संसार से पार कराने में सहायक होते हैं।
मात्र केवल हमें गुरु चरणों में आना है। और जिस प्रकार एक मिट्टी कुशल शिल्पी के हाथों में पहुंच जाती है, उस कुम्हार के हाथों में पहुंच जाती है, फिर वह मिट्टी अपने आप को मिट्टी नहीं कहती है, वह केवल कुम्हार के हाथों में पहुंचकर अपने आप को उसको समर्पित कर देती है। अब कुम्हार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मिट्टी मेरे हाथ में तो आ गई, क्योंकि मिट्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ दुख के साथ ही तो की है। नदी में पड़ी थी, खेत में पड़ी थी, वहाँ पर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ प्रतिकूलताओं को सहन कर रही थी। सारी गाड़ियाँ पैदल सब उस पर से राहगीर गुजर जाती थी, फिर भी वह अपना दुख किसी से नहीं कहती थी। आज किसी कुशल शिल्पी की उस पर दृष्टिपात हुआ, दृष्टि पड़ी, मिट्टी कुछ कार्य और अच्छा कर सकती है, तो वह पद्दलित मिट्टी को उसने खेत से नदी से उठाकर अपने घर तक ले आया। उस पर भी मिट्टी को खोदा गया, फावड़े कुदाली की उसने भी मार सही। हमने भी इसी प्रकार संसार में रहकर सारे दुखों को भोग रहे हैं और भोगते हुए आए हैं, फिर चाहे वो एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति रूप में हो, और फिर चाहे तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय से बढ़कर पंचेंद्रिय तक हमारी जीवन यात्रा हो गई। संगी असंगी में हमने निकाला जीवन, आज वर्तमान पर्याय मनुष्य गति को पा गए, संगी पंचेंद्रिय पना पा गए। अरे उनका सोचो, पंचेंद्रिय तो हैं लेकिन मन भी नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा लाभ हानि भी नहीं जानते, क्या देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं उनको ये भी नहीं पता। हम बहुत सौभाग्यवान कि भली पंचम काल में आए, आचार्य भगवंत गुरुदेव के काल में आए, जहाँ पर तीर्थंकरों का समूषण नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है, मन प्रया ज्ञानी नहीं है, न केवली हैं, शुद्ध केवली हैं, सबका अभाव है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में सच्चे गुरुओं का तो सद्भाव है। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि वर्तमान में दृष्टिगोचर हैं, और वो भी आचार्य भगवान की कृपा है। पूर्व के जो भी विद्वान हुए हैं उनकी भावनाएं लिख के गए हैं, उसको पढ़ते हैं तो अश्रुपात हुए बिना नहीं रहता है। उन शब्दों में जी कर देखिए क्या कहते हैं वो, ते गुरु मेरे उर वसो जे भव जलधि जहाज। ते ये नहीं कह रहे, ते गुरु जो हो चुके हैं भूतकाल में, क्योंकि वर्तमान में अगर होते तो कहते जे गुरु आचार्य भगवंत, जे गुरु मेरे उर वसो जे भव जलधि जहाज। पंक्ति कह रही, ते गुरु मेरे उर वसो जे भव जलधि जहाज, आप तिरें पर तार ही ऐसे श्री ऋषिराज, ऐसे गुरु महाराज जिनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। उस समय की पंक्तियां जब लिखी गईं उन विद्वानों के द्वारा, उस समय उनके हृदय की वेदना उस शब्द पर झलकती है। तारा तरण जहाज, नदी में नाव होती है, समुद्र में जहाज होते हैं, स्वयं तैरते भी हैं, मल्लाह भी तैरता है और उसमें बैठा यात्री को भी तैरा देता है। गुरु वो होते हैं जो स्वयं तैरते हैं और दूसरों को भी तैरा देते हैं, स्वयं जलते हैं लेकिन दूसरों को प्रकाशित कर दिया करते हैं, ऐसे गुरु महाराज हुआ करते हैं। मिट्टी ने अपना दुख दर्द किसी से नहीं कहा, सहन किया, फावड़े कुदाली के मार को सहन किया, उसके बाद भी अपना दुख किसी से नहीं कहा, आ गई कुम्हार के घर पर। अब कुम्हार के हाथों में उसने अपने आप को सौंप दिया, अब कुम्हार ने उसको पद्दलित किया, पानी में गलाया, पैरों से कूचा, थोड़ा बहुत उसके शरीर में जो जान बची थी अब वो पैरों के रौंदने से पूरी जान समाप्त हो गई। उसका कणकण दुखने लगा, जैसे किसी ने हमारे शरीर की पूरी हड्डियों को तोड़ दिया हो। फिर भी अपना दुख किसी से नहीं कह रही, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपना त्याग अपना समर्पण जिसके चरणों में कर दिया, अब मेरा अस्तित्व कुछ नहीं रहा, जो कुछ है सब गुरु को करना है। यह त्याग या समर्पण की पराकाष्ठा आज हमें उस मिट्टी से सीखना है।
शिल्पी ने उसको चाक में रखा, मिट्टी का लौंदा जब चाक घूमता है और उस पर रख दिया जाता है। आपने भी बचपन में एक खेल खेला होगा, अपने मित्रों सहपाठियों के साथ किसी एक खम्भे को पकड़ा होगा और गोल गोल चक्कर लगाया होगा, और जब चक्कर लगाते हैं उस समय तो ठीक लगता है, और जैसे उस खम्भे को छोड़ के सीधे खड़े हो जाओ फिर सर कैसा चकराने लगता है। ऐसे उस मिट्टी का सिर चकराने लगा कि मुझे इतने पर भी शांति नहीं मिली। अब मुझे कुम्हार के द्वारा चाक पर घुमाया जा रहा, मेरा सिर चकरा रहा, मैं चक्कर खा के गिर ना जाऊं। तभी कुशल शिल्पी उसको अपने हाथों का सहारा देता है। मिट्टी का वह लौंदा घूमते घूमते जिस मिट्टी का सिर चकरा रहा होता है उसको एक आकार देता है। अरे आकार तो हाथों में बाद में आता है, पहले तो वह आकार उस शिल्पी के मस्तिष्क में आता है कि इसकी संभावनाएं जो थी वो और अधिक कितनी अच्छी हो सकती हैं। इसलिए उस मिट्टी को कलश का आकार देता है। जब मिट्टी अपने उस आकार को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी साधना सफल हुई, मेरी साधना सफल हुई। कहाँ पद्दलित थी, रास्ते में पड़ी थी, लोगों के पैरों से दबी जाती थी, गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ राहगीर सब कुछ मुझको दबा के जाते थे। बाद में मेरा पुण्य थोड़ा जागृत हुआ तो कुशल शिल्पी के हाथों आ गया, आज हाथों में आकर उसने भी मुझे कलश बना दिया। अब कम से कम मैं कलश बनकर किसी के पैरों पे तो नहीं रौंदू जाएंगी, किसी के पैरों से पद्दलित तो नहीं होंगी, मैं स्वयं शीतल होगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। मैं अपने कंठ को उस जल से भर के रखूंगी जिस जल को पीने के बाद राहगीर थक कर आता है, श्रम से चूर होता है, तब दो घड़ी बैठकर वह शीतल जल का पान करेगा तो उसकी भी तृषा प्यास शांत हो जाएगी। अपनी उस खुशी को ज़्यादा दिन तक वह मिट्टी नहीं रख पाई क्योंकि अभी उसकी एक और अंतिम परीक्षा बाकी है। अभी तो केवल कलश का रूप दिया गया है, अब कलश को जब कुम्हार ने उठाकर चाक से और धूप में रख दिया, अब जब 24 घंटे हम ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, उस समय जब तेज़ धूप पड़ती है शरीर पर तो कितनी देर तक सहन होती है, और उसको तो दिन भर धूप में रहना है, उसका पूरा जलीय तत्व समाप्त होना है। अब वो सोचती है कहाँ कलश बनकर शीतल जल के लिए मैं तैयार हुई थी, अभी तो मेरा ही सारा जल सुखा दिया जा रहा है। वह उस परीक्षा को भी देती है और उसके बाद अवा की आग में उस भट्टी में उस तपन को भी सहन करती है। तब जाकर वह काली मिट्टी लाल कलश के रूप में, मटके के रूप में, घड़े के रूप में परिवर्तित होती है। अब वह मिट्टी मिट्टी नहीं रही, अब वह ठोस कलश के रूप में, घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और वह मिट्टी कलशा आप जब लेने जाते हो तो पहले उसको भले वो 20-50 रुपए का आता हो उसको भी ठोक बजा के देख लेते हो। टन टन की आवाज आती है, कहीं ये मटका चटका तो नहीं है, फूटे मटके चटके मटके को आप नहीं लाते हो, कौन सा मटका लेके आते हो, ठोस मटके लेके आते हो। तब जाके घर में पहले दिन ही नहीं भर के रख देते हो, एक दिन उसको भर के पहले थोड़ा खाली करके फिर उसको सुखा देते हो, फिर उसके बाद उस घड़े के पानी का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तब बस शीतल घड़ा जो कुएं से भर के लाया जाता है सिरमौर बन जाता है। ये किसके कारण हुआ, क्या कुम्हार के कारण हुआ? कुम्हार तो मात्र एक निमित्त है, उपादान तो स्वयं उस मिट्टी का है जिसने अपने आप का त्याग समर्पण के माध्यम से उस कुम्हार के, उस कुशल शिल्पी के हाथों में अपने आप को सौंप दिया था। तब जाके उस कुशल शिल्पी ने, उस कुम्हार ने एक आकार अपने मस्तिष्क में बनाया और फिर हाथों को सहारा देकर उस मिट्टी के लौंदे को कलशा का आकार दिया। आज वह कलशा सिरमौर हुआ, सिर पर धारण हुआ, सौभाग्य का सूचक हुआ, मंगल हुआ। और उसके बाद जब आपने
अपने उस जनालय का निर्माण किया जिसकी पूर्व उद्घोषक महोदय चर्चा कर रहे थे। जब उसका निर्माण किया गया, प्रभु की प्रतिष्ठा कराई गई, आचार्य भगवंत ससंग यहाँ पर पधारे, उसमें मैं भी सौभाग्यशाली था कि प्रभु की आराधना करने का उस पंचकल्याणक में मुझे भी सौभाग्य मिला था। उस समय उदयनगर और भी लगभग 15-16 मंदिरों का पंचकल्याणक हुआ था। बहुत से मंदिरों में जाने का सौभाग्य मिला, बड़े बड़े भगवान को प्रतिष्ठित गुरु महाराज के सानिध्य में यह सौभाग्य देखने को और करने को प्राप्त हुआ था। जब वह मंदिर तैयार हुआ फिर भी वह अपूर्ण था। इतने बड़े भगवान विराजमान होने के बाद भी मंदिर अपूर्ण, हाँ वह अभी चैत्यालय था। लेकिन जब उस पर कलशारोहण हुआ और ध्वजारोहण हो गया तब जाकर वह मंदिर चैत्यालय चैत्यालय नहीं रहा, नवदेवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया वह कलशारोहण और ध्वजारोहण के माध्यम से। आज वह कलशारोहण मंदिर के शिखर पर उत्तुंग जनालय पर आसमान छूते गगनचुंबी जनालय मर विराजमान हैं। आज वह कलशा जब देखता है, भले आपने उस सोने को बना दिया, चांदी का बना दिया, उसको कलशारोहण कर दिया, लेकिन उसने भी अपने तप की भट्टी में जब जला है तब जाके सोना खरा हुआ है। सोना के अभी कलशारोहण हुआ था और मिट्टी का भी कलशारोहण हुआ, दोनों कलशों में कोई अंतर नहीं, दोनों मांगलिक सूचक हैं, दोनों ही तो मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं। शुद्ध अगर कोई है तो मिट्टी है, सोना क्या है? तो आचार्य भगवंत मुख माटी में कहते हैं, अरे सोना तो सोना ही है, वो मिट्टी की उगाल है, मिलता कहाँ से वो सोना? उसी मिट्टी से, उसी खनिज से तो निकलता है। जो मिट्टी ने अपने गर्भ में तुझे छुपा के रखा है वो जब उद्घाटित करते हैं तो कच्चा होके आता है, उस तप की भट्टी में जलता है, तब 24 कैरेट सोने शुद्ध सोना हमको प्राप्त होता है। वह भी अग्नि की तपन में तपता है, मिट्टी भी हवा में तपती है, तब जाके दोनों ठोस कलश के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जिसने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उसके लिए आचार्य भगवान ने उस नूक माटी तो गुरुदेव की ही अनुपम अमर कृति है, उसमें गुरुदेव को भक्ति में कुम्हार भी बना दिया गया कि मैं पद्दलित मिट्टी हूँ, आप तो कुम्हार हैं, आपने मुझे घड़ा बनाया है, आपकी कृपा है, ऐसे घड़े कितने तैयार कर दिए गुरु महाराज ने जो आपके बीच में, जो आप कह रहे थे कि मेरी कॉलोनी में मिल जाए, मुझे भी मिले सौभाग्य। अरे आप सबको ध्यान ही तो यहाँ पे पधारे हैं, आए भी थे तो कॉलोनी कॉलोनी होके आए थे, और जो शेष रह गए उनका भी संकल्प है कि जब तक पूरे इंदौर में नहीं घूम लेंगे तब तक इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवान के टकसाल के ये अनुपम सिक्के आचार्य भगवंत ने तैयार किए अपनी साधना, अपनी तप, अपनी तपस्या के माध्यम से। जो भी अंश आज हम सब हैं उन्हीं के वंश के हैं, और उन्हीं के चरणों में बार बार भावना भाते हैं कि आप सबको भी उन सब का लाभ मिले जिसकी आप भावना भाते हैं। हम कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या कहते हैं? हम मंदिर जाते हैं, हम अपने घर जाते हैं। आज से केवल एक ही वाक्य याद रखना, जब कोई भी पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो गुरुदेव के शब्दों में ही कह रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा था, एक ही वाक्य याद रखना, हम कहाँ जा रहे हैं? हम मोक्ष की यात्रा पे जा रहे हैं। जिस प्रकार की हमारी भावना होगी उसी प्रकार के हमारे अंदर के भाव रहेंगे, तब हमारे अंदर के राग द्वेष मान मोह मत्सर क्रोध मान माया लोभ छूट पाएंगे। अन्यथा इन चार कसायों में, राग द्वेष और मोह में ही हमारा जीवन अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। अंत करना है तो बस बीच की एक कड़ी को अलग कर दीजिए। आप चैन आवरण पहनते हैं, एक एक कड़ी से एक एक चैन वो बनती है जुड़कर, बीच का एक कुंदे ही अलग हो जाए तो वह चैन
समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे राग द्वेष मोह की चैन समाप्त हो जाए, मात्र भक्ति हमारे अंदर आ जाए और हम भी मोक्ष मार्ग के राही बन जाएं, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज जी की।